वेलकम टू देसी क्लोज लुक। हमारे सभी श्रोताओं को सिमी का प्यार भरा नमस्कार। और आज के हमारे शो में हमारे साथ हैं परमिंदर सोहल जी। परमिंदर जी विक्टोरिया से आए हुए हैं। परमिंदर जी, प्रोग्राम में स्वागत है आपका। सो नाइस टू बी विद यू। आई नो, हम जूम के जरिए तो हमने इंटरव्यूज किए हैं, तो आज हमें बड़ी खुशी है कि ये हमारे साथ, हमारे रूबरू हैं, हमारे पास हैं, बैठे हुए हैं हमारे साथ। और मैंने सोचा कि क्योंकि ये वैंकूवर आए हुए थे तो क्यों ना थोड़ा सा फ़ायदा उठाया जाए, इनसे बातचीत की जाए। और आज के प्रोग्राम में हमारी बातचीत जो है, हम वैसे ही बैठे बैठे अपने श्रोताओं को बता दें कि बात कर रहे थे कि हम इंडिया से, पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से कैनेडा में आ गए हैं, और वहाँ हमें फिक्र होती थी कि एनवायरनमेंट साफ़ नहीं है, या हमने ग्रोसरी शॉपिंग कहाँ से करनी है, घर कहाँ लेना है, वहाँ सेफ्टी इश्यूज़ थे और बहुत सारे इश्यूज़, करप्शन इतनी ज़्यादा है। अब हम इस कंट्री में आ गए हैं, इस कंट्री में काम तो करना पड़ता है, लेकिन साथ में देखिए लाइफस्टाइल हमारा कितना साफ़ सुथरा है। यहाँ का एनवायरनमेंट ले लें परमिंदर जी, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मुझे यहाँ का जो इक्वालिटी सिस्टम है वो बड़ा अच्छा लगता है। चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, सब एक ही ग्रोसरी स्टोर में जाके शॉपिंग करते हैं, एक जैसा आप खाना पीना आप सबका है। हम शॉपिंग, चाहे शॉपिंग मॉल्स में जाएं, सब वहीं पे शॉपिंग करते हैं। तो एक किस्म का इक्वालिटी के साथ साथ जॉब्स की यहाँ कोई मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू आर टैलेंटेड, इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, आपको जॉब ढूंढने में कोई परेशानी नहीं आती है। लेकिन एक बात अभी भी जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारा जो मेंटल बैलेंस है वो कहाँ चला गया है, सुकून चला गया है। बहुत सारे बच्चे मैं देखती हूँ, यूथ देखती हूँ, जिनमें डिप्रेशन या और कई तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है। तो ये क्यों है, हम अपने आप से जुड़ने की बजाय अपने आप से दूर क्यों जा रहे हैं, और हम इसको कैसे सही कर सकते हैं? यहाँ पर आकर हमें सब कुछ मिल गया, लेकिन सब कुछ गुम भी गया, क्योंकि हम अपने आप से उखड़ गए। इंडिया में, पाकिस्तान में, या हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन हमारे पास वैल्यूज थी। हमारे साथ बुजुर्ग हुआ करते थे, वो हमें समझाया करते थे कि ईमान पर चलो, इंसानियत पर चलो। दे वर नॉट इनकरेजिंग अस टू गेट इन टू कैरियर्स। वो हमें अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते थे, और वो इंसानियत वहाँ थी, अभी भी है। यहाँ पर आकर हमें सब कुछ मिल गया, लेकिन दिस इज़ अ वेरी मटेरियलिस्टिक सोसाइटी। और जब हम अपने आप से उखड़ जाते हैं, तभी डिप्रेशन आता है। और जो डिप्रेशन है, जो एंग्जाइटी है, ये इसलिए है कि तुम ये नहीं जानते कि तुम कौन हो, और तुम समझते हो कि ये चीज़ें, ये खिलौने तुम्हें खुशी दे देंगे, लेकिन हमने सब करके देख लिया, कुछ भी हमारे हाथ नहीं आता। आखिर में हम खाली रह जाते हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कि चलो हम अमीर हो जाएं, हमारे पास ये ज़मीन हो जाए, ये हो जाए। तो मैं ऐसे एक दिन कुछ लिख रहा था, देख आज मौत ने दो गज की ज़मीन मुझे दे दी, देख मैं कितना बड़ा जिम्मेदार बन गया। क्या बात है, आखिर में वही जो हमारा साइज है वही जमीन का हिस्सा हमें मिलना है। तो इस बात को हम समझते नहीं है कि 6 गज से ज्यादा जमीन हमारे पास नहीं है, और जब हमारा ये जिस्म जलेगा या फूंक दिया जाएगा, इसकी 5 रुपए भी कीमत नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, हमारा तो नाम भी नहीं लोग फिर बाद में लेते। वो तो बड़े बड़ों का नाम नहीं लेते, हमारा क्या नाम लेंगे, है ना। इसलिए हम एक रेस में, हम एक दौड़ रहे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कहाँ जा रहे हैं। और ये जानना कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये जिंदगी का सबसे बड़ा पर्पस है। ये जानना कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए यहाँ आया हूँ। और जब तक हम ये जानना सकेंगे, हम तड़पते रहेंगे।
क्योंकि रूह तो उखड़ गई है ना। और जब तक रूह सबरू नहीं होगी तब तक ये तकलीफें होती रहेंगी। इसके लिए हमें अपने आप से जुड़ना है, हमने दूसरों से जुड़ना है, दूसरों के बारे में सोचना है, दूसरों की खुशी के बारे में सोचना है। जी, जी। दूसरे को हमने आज कितने सारे कैमरा लगा रखे हैं, कितना खूबसूरत साइन है, राइट। हम लोग कहते हैं ध्यान करो, किस पे करें ये समझ में नहीं आता। मेडिटेशन करो लेकिन किस पर करो, किसके लिए करो, बिना समझे हम हर चीज को करते हैं। और इसीलिए हम ये जान नहीं सकते कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं। और इसको पहचानना, इसको जानना ही जिंदगी का पर्पस है। एंजाइटी क्यों है? इसलिए है कि मेरे अंदर कोई तड़प रहा है, रो रहा है मेरे अंदर, लेकिन वो आवाज बाहर नहीं आ सकती। इस सोसाइटी ने, इस कल्चर ने मुझे मेरे अंदर ही कत्ल कर दिया। उसको जानना, उसको पहचानना, उसके साथ जुड़ना। और किससे जुड़ोगे तुम? अपने आप से तो जुड़ सकते हो, और किसी से नहीं जुड़ सकते। तो जितने भी, जब बच्चा रोता है ना तो उसको माँ चाहिए होती है जी। लेकिन हम उसको खिलौने दे देते हैं, लॉलीपॉप, टॉयस, टेलीविजन। वो रोता है फिर चुप हो जाता है फिर रोने लगता है। इसी तरह हम जब अपने आप से नहीं जुड़ते तो हम अपनी माँ से नहीं जुड़े हुए, हम इस कॉन्शियसनेस से नहीं जुड़े हुए। और ये तड़प है, ये जो कसक है, ये जो सिसकियाँ हैं, ये सब उस अपनी माँ के लिए। एक हमारी माँ है जिसने हमें जन्म दिया, एक वो माँ जिसने सबको जन्म दिया। तो ये तड़प ये हमारी है और ये बढ़ रही है। ये इसलिए बढ़ रही है कि हम मटेरियल सोसाइटी की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। और जब तक ये ज्यादा होता रहेगा तड़प बढ़ती रहेगी। अभी मेरे ख्याल में परमिंदर जी, कोई भी रिश्ता जब हम उसको टाइम नहीं देते हैं, जब हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो वो सरवाइव नहीं कर पाता ज़्यादा देर। वो जैसे आपने माँ बाप का नाम लिया, माँ बाप ने हमें जन्म दिया, अगर हम माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो वो व्याकुल रहेंगे हमारे लिए। उनका, उनके मन में एक तड़प उठेगी कि मैं बच्चों के पास, लेकिन बच्चों के पास टाइम नहीं है। ऐसे ही सेम मेरे ख्याल में जो आपने अभी कहा है, मैं उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे माँ बाप जिसने हमें जन्म दिया वो हमारे अंदर है, हमारी आत्मा। और जब तक हम अपने आप से नहीं जुड़ते हैं, वो रिश्ता हम खुद के साथ कायम नहीं करते हैं, अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं, तब तक हम भटकते फिरते हैं। हम अपने माइंड को हर वक्त ऑक्यूपाई रखना चाहते हैं, बिजी रखना चाहते हैं, चाहे वो लोगों के साथ कह लीजिए, चाहे वो काम के साथ कह लीजिए, अपने आप को बिजी रखो। हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा एडिक्शंस बढ़ रही हैं, क्योंकि काम से थक के हारे घर आना है, आके जो इतनी लेबर करके आते हैं वो फिर ड्रिंक करते हैं और सो जाते हैं। तो उनके लिए, खुद के लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं है। तो क्या जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? कहाँ पे हम इसको स्टॉप करें, कहाँ पे यहाँ पे एक पॉज दें जिंदगी को? टाइम तो हमें देना पड़ेगा, चाहे पहले दे लें नहीं तो फिर बाद में जब बीमार हो जाओगे, फिर भी तो टाइम देना ही है। फिर टाइम भी देना है, पैसे भी देना है, और सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। आज मैंने मेडिटेशन रखी थी, कुछ लोग आए थे, वहाँ एक बच्चा आया, वो कहता है कि मेरी दोनों किडनी फेल हो गई हैं। इज वेरी यंग मैन, जस्ट दिस रिलेशनशिप यू आर टॉकिंग किल्ड। हमें ये समझना चाहिए कि जो रिश्तों में पढ़ने से पहले रिश्तों के बारे में समझ लेना चाहिए कि रिश्ते होते क्या हैं। हम बिना जाने, बिना समझे रिश्तों में चले जाते हैं। एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, कार ड्राइविंग, इसका लाइसेंस, उसका लाइसेंस, बट वी डोंट गेट ए लाइसेंस बिफोर वी गेट इनटू द रिलेशनशिप।
और इसकी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर प्यार नहीं है, हम दूसरों में अपना प्यार ढूंढते हैं. Exactly, that's a very true point, like very good point. Yes. और जिसके पास प्यार है नहीं वो मुझे प्यार क्या देगा? दोनों एक दूसरे से मांग रहे हैं. दो भिखारी एक दूसरे से मांग रहे हैं, दोनों के पास कुछ भी नहीं है. इसीलिए इतनी मैरिजेस ब्रेकअप हो रही. मैरिजेस ब्रेक हो जब मुझे कोई दुख नहीं लगता. लेकिन जब लोग बीमार हो जाते हैं जहनी तौर पर, तब मुझे बहुत दुख लगता. अभी तो इन्होंने जिंदगी शुरू की थी. हाँ, बिल्कुल. और अभी खत्म हो गए. तो इस बात को सोचना पड़ेगा कि रिश्ता किससे जोड़ना है. तो आप कह रहे हैं कि हम रिश्तों में जब पड़ते हैं उससे पहले हमें खुद को समझना है, खुद को पहचानना है, क्योंकि जब हमें खुद के बारे में पता होगा तभी हम सही रिश्ते में पड़ पाएंगे. हाँ जी. अगर हमें खुद को ही नहीं पता है कि हमें क्या चाहिए, हम किस चीज़ की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्या हमें सिर्फ वही चाहिए, क्या रीज़न क्या है रिश्ते का, क्यों हम रिश्ते तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अपने आप को उस मुकाम पे लेकर जाना कि जहाँ ये ना हो कि आपकी जो अंदरूनी खुशी है वो बाहरी चीज़ों में तलाश हमेशा आप करते रहो उस चीज़ की, या आप उसकी उसका जो है रीज़न एक बाहरी चीज़ को बना लो कि अगर मुझे वो शख्स मिले, अगर मुझे वो चीज़ मिले तभी मेरी लाइफ ठीक होगी, तभी मुझे खुशी मिलेगी. अगर आप खुद के साथ कंटेंट हैं, अगर आप खुद में संपूर्ण हैं, तो चाहे कोई आपकी ज़िंदगी में आता है या नहीं, फिर भी आप पे वो जो एक खला है ज़िंदगी में जो किसी के जाने से होता है वो नहीं आएगा. एम आई राइट? जी. जब बुद्ध भगवान गए तो कुछ लोगों ने पूछा कि जब अगली बार आओगे तो कैसे पहचानेंगे कि तुम बुद्ध वापस आए हो? अच्छा. उन्होंने कहा मैं मैत्रेय बनकर आऊंगा, मैं दोस्त बनकर आऊंगा. हमें मैरिज नहीं करनी है, हमें फ्रेंडशिप करनी है. आज कुछ बच्चों से मैं बात कर रहा था, मैरिज हो रही है, कह रही कि हमारी मैरिज हो रही है. मैं किससे हो रही है? कि मेरे हस्बैंड से. मैं कह रियली? यस रियली. नो इट्स नॉट. एंड शी वॉज कन्फ्यूज. मैंने पूछा कैसे करोगे मैरिज? अनंत कारज करूंगा. वेरी गुड. एटलीस्ट यू नो द वर्ड अनंत कारज. यू हैव रेड व्हाट अनंत कारज मीन्स? शी सेड आई डोंट नो. आई से अनंत कारज इट इज रिटन तुम्हारी मैरिज तुम्हारे हायर सेल्फ से होगी. कहती रियली? तुम्हें अपने से मैरिज करनी है. अपने आप से मिलना है. जब तुम अपने आप से मिलोगे तो उसका साथ लेके उसको भी ले चल सकते हो. वेयर यू नीड टू एंकर. कहती व्हाट यू मीन? मैं कह लंगर क्या होता है? कहते गुरुद्वारे में जाते हैं और खाना खाते हैं. मैं नहीं, वो लंगर नहीं होता. लंगर इज ए वर्ड ऑफ एंकरिंग. एंड वी कैन ओनली एंकर इन अवर हायर सेल्फ. देयर इज नो वे अराउंड इट. चाहे गुरु ग्रंथ साहिब है, चाहे कुरान है, चाहे भगवत गीता है. यू कैन ओनली एंकर योर हायर सेल्फ. सो आवर किड्स डोंट नो वेयर टू एंकर. हमारे वो बुजुर्ग नहीं रहे जो सिखाते थे ये सब बातें. सही है. जॉइंट फैमिलीज नहीं रही, कुछ नहीं रहा. एटलीस्ट दे शुड नो व्हाट इज लव. मोहब्बत होती क्या चीज है और किससे की जाती है? इश्क मिजाजी क्या है और इश्क हकीकी क्या है? इस बात को समझना पड़ेगा. हाँ, धोखे लगेंगे, धोखे मिलेंगे, सबको मिलते हैं. तभी तो इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी की तरफ जाओगे. जब तक धोखा नहीं खाओगे तो वहां पहुंचोगे कैसे? बिल्कुल. वो पेन पैसा ना, लेकिन वो पेन से कुछ सीखना है ना. हाँ, बिल्कुल. उस पेन के नशे में नहीं डूब जाना. हाँ,
ये जो एडिक्शन है, जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये दुख के नशे में डूबना है। हाँ, क्योंकि उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसको जान नहीं पा रहे, उसे समझ नहीं पा रहे, उस पर काम नहीं कर पा रहे। हाँ, और ये बीमारी फैल रही है और बहुत तेजी से फैल रही है, क्योंकि ये बीमारी है नहीं, ये जहनी बीमारी है, इसको पकड़ नहीं सकते। बट इट इज डिस्ट्रॉइंग योर ब्रेन, इट्स डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग इन यू। हमारे टाइम में कहते थे कि किसी को बर्बाद करना है ना, उसे शराबी बना। अब मैं कहता हूं किसी को बर्बाद करना है, उसको मेंटल टेंशन दे दो। सही है, ये सच नहीं है, लेकिन वो समझते नहीं, वो जानते नहीं। तो उसको जानने के लिए दे हैव टू कम इनटू मेडिटेशन। और मेडिटेशन ध्यान जो है वो जानना है कि मैं कौन हूं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और तुम जब जान सकते हो, समझ सकते हो, देन देयर इज अ सेपरेशन हैपेंस। ये दुख मैं नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं, दुख मुझ में है। आई सी, हाँ, मैं दुखी नहीं हूं, दुख मुझ में है और मैंने लिया है और मैं दे सकता हूं। ये मेरे पास है। इस बात की समझ पहली बात। दूसरी, हमारी इस सोसाइटी में ट्रस्ट नहीं है। वी डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी, वी डोंट सरेंडर टू एनीबॉडी, वी थिंक वी आर द मोस्ट स्मार्टेस्ट एंड ऑल अ बंच ऑफ फूल्स, दैट्स ऑल दे आर। आई इज टू बिग नाउडेज, इट्स अ गेम बिकम ऑफ आई। I is destroying everybody. Yeah, ego आ गई ना? आ गई, right? और इसको कैसे मिटाओगे? I is not important. Rest everything is important. और ये आपको करना पड़ेगा। इसका कोई और तरीका है नहीं। तो इसका करने का एक ही तरीका है कि उसके पास जाओ जो इस जिसने तुम्हें इस दुख से निकाला है, किसी को निकाला है, उसे समझो। फिर उसे अपनी जिंदगी पे उतारो। उसके लिए तुम्हें वक्त चाहिए। वक्त तुम्हारे पास है नहीं, है नहीं। इसलिए तो मेडिटेशन करनी, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त नहीं है। वक्त तुम्हारे पास बहुत है, प्रायोरिटीज नहीं है ना, प्रायोरिटीज स्ट्रेट नहीं है। यू नो, पीपल टेल मी आई एम डूइंग दिस टू लिस्ट और बकेट लिस्ट एंड ऑल दिस दिस। यस, आई वाज टीचिंग मेडिटेशन, मैंने उनका लिया और को फाड़ के फेंक दिया। मैंने लिखा नॉट टू डू लिस्ट बनाओ। हाँ, तो जो करते हो, हाँ, उसमें से वो सब निकाल दो जो जरूरी नहीं। वेरी हार्ड। मेरे को नाखून कटाने जाना है, मुझे इधर जाना है, मैंने दांत निकलवाने हैं, मैंने लाइक दिस इज लाइक द होल यस टाइम हैज बीन बिजी ऑन दीस थिंग्स। यस, आई हैव टू बाय न्यू क्लोथ्स, आई हैव टू बी अ न्यू कार, आई हैव टू दिस थिंग, आई हैव टू ऐड न्यू गैराज टू इट, दैट्स ऑल डिस्कशंस आर हैपनिंग। सिर्फ यही नहीं, कई लोगों के पास दो दो काम हैं, जॉब्स हैं, एक जॉब से आना है, दूसरी जॉब पे भाग जाना है, उनके पास टाइम ही नहीं है। आई एम सीइंग इट हियर, या इन दिस प्रोविंस। मैं इसलिए यहाँ आया था कि बहुत खूबसूरत जगह, लोग कहते थे बहुत प्यारी जगह है, बहुत कुदरत तो बहुत खूबसूरत है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन लोग बहुत दुखी हैं यहाँ। तो आपको क्या लगता है, लोगों ने अपनी ज़रूरतें बढ़ा ली हैं, उनके खर्चे बढ़ गए हैं टाइम के साथ, और जिसके लिए उनको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, उनको अपने बच्चों से, अपने घर से दूर रहना पड़ रहा है, इज़ दैट व्हाट इट्स हैपनिंग? दे आर इन मेस। मुकाबला हो रहा है यहाँ पे। यस, आदमी अपने आप पर अंदर ही खुद हारी जा रहा है। उसके पास एक घर है, उसके पास एक कार है। आप देखो यहाँ पे हर एक आदमी दो काम कर रहा है, राइट? एक नॉर्मल 40 आवर्स जॉब है, फिर 20 आवर्स अनदर जॉब इज देयर। यस, वेरी ट्रू। इज 40 आवर्स यू आर वर्किंग फॉर 40 आवर्स? दैट्स द क्वेश्चन आई एम आस्किंग। यू आर नॉट। इन दिस 40 आवर्स मे बी यू आर वर्किंग मैकेनिकली, but you are not intuitive to it. You don't love it. You just do it. Yes. Yeah. Because you don't have love.
हाउ कैन यू लव समथिंग व्हेन यू डोंट हैव द लव. और इसके लिए क्या है कि पहले वक्त निकालो. मैं भगवान ओशो के साथ रहता होता था, लोग आके कहते थे कि हमारे पास वक्त नहीं है, 5 मिनट की मेडिटेशन दो. हफ्ते में से 5 मिनट करें और ठीक हो जाए. We want instant results. Yeah, like this is how the life is become. Yeah, सब कुछ जल्दी. Fast food की तरह. भगवान कहते थे तुम्हें, मैं तो लोगों को 1 घंटा कहता हूँ, तुम्हें कहता हूँ 3 घंटे करा करो. वो कहते कि मैं पहले ही कह रहा हूँ मेरे पास टाइम नहीं है. मैं 15 मिनट कह रहा हूँ, आप कह रहे हो 1 घंटा, मेरे से नहीं होता. आप 3 घंटे क्यों कह रहे हो? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है. So meditation is a way to create the list of not to do list. You simplify your life. Then you find your passion. You work on your passion. This is your passion, right? Yes. Even if the money is less, or even if the troubles are there, but you're happy. There's a purpose. There's a purpose. Yes. This is what I'm coming to. Yes. These people who are depressed in anxiety don't have a purpose. अपने से जुड़ना इस दिस किड्स विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग इन मेडिटेशन. फॉर देम कनेक्ट विद योर पैशन. सो दे विल आस्क यू पैशन क्या है मेरा, मुझे बताओ. यहां पे जिंदगी आ गई है. माय मदर टोल्ड मी दिस, माय फादर टोल्ड मी दिस, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. या ऑफ कोर्स दिस किड विल बी डिप्रेस्ड. एग्जैक्टली द फर्स्ट थिंग इज अगर अपने आप से जुड़ना है, कुछ टाइम निकालो अपने लिए, 15 मिनट, 1 घंटा पढ़ो. देयर सो मच इंफॉर्मेशन अवेलेबल एंड देयर कम्युनिटीज वर्क इज गोइंग ऑन. कम एंड कनेक्ट विद देम एंड वंस यू फाइंड अ पर्पस योर कंपनसेशन विल इंक्रीज आल्सो बिकॉज यू लाइक टू डू इट. यू विल गेट प्रमोटेड और यू डू एक्स्ट्रा वर्क, यू विल expand your business because that's something you're loving and main hamesha ek baat kehti hu, mera firm belief hai ke do what you love and love what you do. To jab hum wo cheez karte hain jo hame khushi deti hai to hame time ka to pata hi nahi chalta. Lekin yahi to problem ki hame pata hi nahi ki khushi hai kya cheez, hai kya cheez. Yes, so pehle ye isko dhoondna hai ki meri khushi hai kya, main kaun hu, yeah, mujhe kya acha lagta hai. Aur is sab ke upar dar pada hua hai. And the biggest fear is the fear of the financial in this province, I see. How to pay the bills. Yes. So that has financial independence is very important to move on to spiritual path. Bhagwan, you say I'm a master of rich people. लेकिन उनको समझ नहीं आई वो क्या कहते थे. रिचनेस इज ऑफ इनसाइड, इट्स नॉट ऑफ द आउटसाइड, बट आउटनेस नॉट इन मटेरियलिस्टिक, नॉट इन मटेरियलिस्टिक बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. तो मेरा तो यही है माँ के जिसकी भी हेल्प कर सकते करते हैं, राइट. लेकिन सबसे पहले अपनी हेल्प करते हैं. और छोटे छोटे कम्युनिटी, छोटी छोटी मेडिटेशन, 10-15 लोग आके बैठे, वो 10-20 हो जाएंगे, 20-40 हो जाएंगे. एंड अवर दिस प्रोविंस, अवर दिस सिटी, अवर दिस गवर्नमेंट, अवर अवर कम्युनिटीज हैव टू सपोर्ट दिस एक्शन बिकॉज देयर इज नो मेडिकल सोल्यूशन फॉर दीज थिंग्स. इट्स नॉट दैट इफ यू गिव समबडी अ जॉब ही विल हैप्पी, नो, यू हैव टू गिव समबडी अ पर्पस, यू हैव टू एक्साइट समथिंग इन देम. यस, एंड दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन राइट नाउ. Yes. This is the things we are moving forward. Anybody who I see depressed, anybody I see they're disconnected, we are putting our full attempt to help them. Yes. So we conduct meditations, we conduct camps, we distribute books, we inspire them. We don't only teach meditation. How will help you in financially independent? Come to me. I'm not come from the caves. I'm a Stanford graduate. I can help you. Giving a hope is the important thing. And this hope
is to be lived. So that's all I want to say, Ma. It's not a disease. It is just not being mindful. And once we become mindful, this whole things come back to its space. There's so much distraction. Aaj bachcho ko dekhta hu, you know, like they have YouTube, this and that. So this, the world, the electronic media world is moving very fast. You don't think it's impacting the mind? Of course it is. Our mind is not designed for these things. So whenever we can get some peace time, a time where you don't do anything, you don't do anything, that's the first step towards getting rid of anxiety and depression. बिल्कुल. That's all I want. थैंक यू सो मच. और ये जो आपने सेल्फ कनेक्शन की बात करी है कि खुद के लिए ऐसा टाइम निकालना जब करने के लिए कुछ ना हो. हाँ जी. अपने लिए आपने सिर्फ, तो सपोज करें कि अगर आपने वो टाइम निकाल लिया है, हाँ जी, तो आपने फिर बैठ जाना है और ध्यान लगाना है. कुछ भी तो नहीं करना है. कुछ भी नहीं करना है. और इसके लिए पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि जो आएगा उसको समझ नहीं आएगा कि मैं कैसे कर सकता हूँ कि कुछ भी ना करूँ. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. क्योंकि जब हमारा दिमाग खाली होता है ना, तब बहुत कुछ होता है उसमें. तब बहुत सारे ख्याल आते हैं, ये काम नहीं किया, वो नहीं किया, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो वो ज्यादा सोच हमारी दौड़ने लगती है. तो वो सोच को दौड़ने से कैसे रोकना है, कैसे शांत करना है? तो जो विपस्सना मेडिटेशन है, जो हमारी पुरानी मेडिटेशन सनातन धर्म की, वो आज काम नहीं करती. ये मैं नहीं कहता कि काम नहीं करती, लेकिन हमारा माइंड बहुत एक्टिव है. तो वहाँ मेडिटेशन पहुँचने के लिए पहले तुम्हें एक्टिव मेडिटेशन करनी पड़ती है. ठीक है. सो व्हाट इज एक्टिव मेडिटेशन? एक्टिव मेडिटेशन इज पुलिंग आउट कैथार्सिस, एंगर. यू गो टोटली मैड, यू टेक द मैडनेस आउट, बिकॉज वी आर ए मैड पीपल. ठीक है. सो फर्स्ट द मैडनेस हैज टू कम आउट. When the madness comes out, आप ना जो भी, जिसने कुछ भी मेडिटेशन नहीं की है, थोड़ी देर के लिए बैठो, आपसे बैठा नहीं जाएगा. लेकिन तुम जाओ एक किलोमीटर, दो किलोमीटर, यू गो रन एंड कम एंड सिट, यू विल रिलैक्स बिकॉज बॉडी इज टायर्ड. ठीक है. सो बॉडी बॉडी हैज रिलैक्स नाउ बिकॉज इट्स टायर्ड. अच्छा. दिस हैज टू बी मेड टायर्ड टू. ठीक है. सो यू गो कैथार्सिस, जिब्रिश, यू नो, यू गो मैड एंड यू पुल ऑल दिस मैडनेस आउट. व्हेन दिस मैडनेस कम्स आउट, mental madness comes out, emotionally we are relaxed, physically we are relaxed, then only dhyan hota hai. So if people are saying ki main 15 minute roz subah utke meditation karta, to tum kuch bhi nahi kar rahe, tum jab sab time kharab kar rahe. I see. 15 minute se meditation nahi hoti. Ye to wahi hai na jaise purani puja hoti thi hamari na, humne bas kar li. कहने के लिए मेडिटेशन किया, कुछ हुआ कुछ भी नहीं. तो उसके लिए पहले सीखना पड़ेगा कि मेडिटेशन कैसे करनी है. एंड आई टीच इट. आप सिखाते हैं? हफ्ते में दो दिन सिखाते हैं, ट्यूसडे एंड थर्सडे. हाँ जी. हम शिवर भी लगाते हैं, वी गो टू द कैंप्स, वी कंडक्ट द रिट्रीट्स, वी डू ऑल दोस थिंग्स, एंड लॉट ऑफ यंग पीपल आर कमिंग टू लर्न दीज थिंग्स. सो लेकिन एक बार आपको वो टेस्ट आ गया मेडिटेशन का, फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको उससे अलग नहीं कर सकती. Then you have to sit. And when you sit, what happens is, हाँ जी, कि जिस तरह अगर हम अपनी कार को 24 घंटे दौड़ाएं, वो ज्यादा देर चलेगी नहीं ना. तो हम 24 घंटे अपने आप को चलाते हैं. रात को सपने देखते हैं, दिन को भी सपने देखते हैं. सही है. तो ये मेडिटेशन है, जो ध्यान है, वो एक घंटे के लिए आपको बंद कर देता है. एंड दिस बॉडी इज वेरी पावरफुल. Just in 1 hour, it recovers everything. But give at least 1 hour to yourself. And even if you cannot give 1 hour to yourself a day, then there's something really wrong in you. Yes. और मैं एक और बताऊँ, माँ, अगर आपने एक घंटा ध्यान किया है ना, आपकी एक घंटे या दो घंटे की नींद कम हो जाएगी. You will go into the deep meditation, deep sleep also. That will relax you. So, yeah, we call it Turiya state. Like Ghama state we will go in. Where the body is fully recovered. So if you are lying down and watching, having movies like dreaming, that's not a sleep. You are not really slept. And most people I talk to, they have a lot of dreams.
all the time. They're very sensitive. If noise comes, they wake up. That's not a sleep. You're just lying down on the bed. So why to do that? Instead of lying down 8 hours, give 2 hours to meditation. Yes. So there is time, yes, and I can do the accounting for your time, and I will show you where you're wasting and how you can leverage that and apply to yourself. लेकिन करने की कोशिश तो करो. हम कोशिश ही नहीं करते. और इस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे आते हैं, किडनी फेल होती है, हार्ट फेल होता है, मेंटल फेल होता है, बिकॉज ऑफ द कार्टिसोल, एड्रेनलिन. यू आर पंपिंग दिस हार्मोन्स, दिस स्ट्रेस हार्मोन्स इन योर बॉडी. ब्लड ब्लड स्ट्रीम्स आर फुल्ली फिल्ड. देयर आर नो मोर ब्लड एनी मोर. दिस आर पॉइजन रनिंग इन यू. यू हैव टू क्लींस योर पॉइजन फर्स्ट. And by eating organic food and this and that, it's not going to help you. Because you're ejecting out inside. No matter how good food you eat, how good clothes you wear, how good environment you live in. But if the cortisol is constantly pumping, you are going to die. There's no two into it. बात जहन से शुरू होती है और जहन पे खत्म होती है. और इसी को हम भूल गए. एक कोशिश है कि वापस हम अपने आप से जुड़े. चलो अपने आप से जुड़ते, अपने अपने लिए थोड़ा तो टाइम निकालो. एंड आई हैव ए बुक, वी आर रिटन लॉट ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल. वी नो साइंटिफिकली मोस्ट डिजीजेस कम्स एट द एज ऑफ 40-45, बिकॉज एट 20-30 यू कैन हैंडल दोस थिंग्स, बट द सिस्टम स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन. अब जो लोग I did a research, जिन लोगों के नेम को डिप्रेशन है 20 साल की उम्र, 15 साल की या 30 साल की उम्र में, 60 they get Alzheimer's. Yes. Because system shut down. Anxiety and depression is again a warning to you that my mind cannot take it anymore. I need rest. Its alarm is going on. Yeah. Depression is nothing. It is just an alarm. Rest. And if you do nothing and you connect with yourself, with your higher self, you say, and being in gratitude is not there in this society. I don't see everyone to own it, but there's no gratitude. Gratitude नहीं है, हाँ, सही है. So if gratitude is there, trust is there, you connect with yourself, then you are in heaven here. हाँ, बिल्कुल. Oh, heaven cannot be beautiful than this. नहीं, यही तो है. Thank you. थैंक यू सो मच. और जैसे परमिंदर सोहल जी ने कहा कि जब तक आप खुद से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप ये जिस हेवन की बात कर रहे हैं वहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे, क्योंकि वो उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. वो आप ही के अंदर है, आप ही के इर्द गिर्द है, इस वक्त आपके पास है. लेकिन हमें उसे कैसे पहचानना है, उसके साथ कैसे जुड़ना है, इस सब के लिए हेल्प अवेलेबल है. तो अगर आप इनसे कोई टिप्स लेना चाहते हैं या इनके ग्रुप के साथ आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे ये मेडिटेशन करवाते हैं, और मैंने भी ज्वाइन किया हुआ है ग्रुप को, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. थोड़ा सा टाइम अपने लिए, खुद के लिए निकालना शुरू करें, और बिलीव मी, दिस विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन योरसेल्फ.